हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रितु। ये मेरी सुबह की जो शुरुआत है वो मेरे स्पेशल चाय से मैं मतलब कर रही थी। कोई पीता नहीं है तो बस मैं, और आज मेरी हेल्पर भी बोली कि वो पी नहीं है तो मैं उनके लिए बनाई थी। और बस आज मैं बनाऊंगी ड्रम स्टिक का सब्जी। बस वो कैसे बनाती हूँ वो आगे आप बने रहिए। आज मैं बना रही हूँ ये सहजन, इसको आप ड्रम स्टिक भी कह सकते हो। तो ये मैंने 3 स्टिक लिया है, इसको मैं कट कर चुकी हूँ। और ये है टमाटो, अनियन, और ये शिमला नहीं काश्मीरी चिली है, ग्रीन चिली है। इसका मैं एक स्मूथ पेस्ट बनाऊँगी। और ये है येलो मस्टर्ड, इसको मतलब इसी के साथ मैं मिक्स करके दोनों को एक पेस्ट बनाऊँगी। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, तो बस इतना इतना ही चीज़ लगेगा। बाकी कुछ जो सूखा मसाला होता है वो मैं डालूँगी। हाँ, इसमें 2 मैं आलू भी डालूँगी साथ में, तो उससे एक अच्छा मतलब ग्रेवी तैयार होता है। तो बस आगे बने रहिए। इसमें मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है, जैसे देखो जितना भी मैंने दिखाया था अभी वो सब कुछ इसमें मैं ऐड कर चुकी हूँ। और इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करूँगी अभी। ये 2 पोटैटो मैंने लिया है इसमें, ये दोनों को भी चॉप करके इसमें मिलाऊंगी, ठीक है। इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी हल्का सा। हाफ मतलब कितना बताऊँ, 2 मिनट फ्राई करना ज़्यादा देर दे। इसका थोड़ा सा अच्छा सा गोल्डनिश कलर आ जाएगा, उसके बाद इसको फिर निकाल देना है। बस इसको मैंने इसमें निकाल दिया है, अब इसे थोड़ी देर फ्राई करूँगी। बस ये भी फ्राई हो गया है थोड़ी देर, तो उसके बाद अब मैं निकालूंगी और मसाला फ्राई करूंगी। थोड़ी सी ऑयल लेकर इसमें थोड़ा सा मैंने मिक्स करा डाला है, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये वो पेस्ट है जो तैयार किया था, अब मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसको अच्छे से तब तक फ्राई करना जब तक इसमें से ऑयल निकल जाए साइड से, मतलब कम से कम 10 मिनट को मीडियम हीट पे फ्राई करना है, क्योंकि मसाला कच्चा है ना, ये फ्राई किया हुआ नहीं है, इसको अच्छे से फ्राई करना है। और मैंने इसी में ना अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया था। तो बस आगे बने रहिए। ये सारा सूखा मसाला है, ये हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्च, ये सारा मैं मिक्स करूँगी। सब कुछ मिक्स कर दिया है सारा मसाला, अभी कुछ भी नहीं डालना है, बस इसको फ्राई करना है अच्छे से। ये मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, और इसमें बस मैं अभी दोनों सब्जी जो आलू और ड्रमस्टिक है उसको मैं इसमें ऐड करूँगी। बस इसमें इसको ऐड कर दूँगी और 1 मिनट के अच्छे से इसको मिक्स कर देना पहले। ये बस मैंने इसको मिक्स कर दिया, और जितना इसमें करी चाहिए उतना मैं पानी ऐड कर दूँगी। अब इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देना है ताकि अच्छे से ये पक जाए। बस ये तैयार हो गया है। आपको कैसा लगा मेरा ये रेसिपी? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मुझे तो अच्छा लगता है, ये मुझे बहुत पसंद है। बहुत लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, बट मैं सरसों वाला ही बनाती हूँ, मतलब मुझे सरसों वाला पसंद है, इसलिए कभी कभी मैं इसको सांभर में भी यूज़ करती हूँ, बट नॉर्मली ऐसे ही बनाती हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।